जो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर 7, दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, यह चैप्टर हम ऑलरेडी आधा कर चुके हैं, और लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी जो दिनचर्या, हैबिटेट, एडेप्टेशन है, उन्हें समझने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों, यह आपके लिए एक नया चैप्टर है। इसमें नए नए एनिमल्स हैं जो शायद आपने कुछ एनिमल्स देखे भी नहीं होंगे। तो यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दोबारा से चैप्टर करवा रही हूँ ताकि आपको जहाँ मुश्किल आ रही है, मैं उन चीज़ों को और भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, पर आप भी समझने की कोशिश करना ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत से एनिमल प्रेजेंट हैं। तो शायद बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपने देखे भी होंगे, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आपने नहीं भी देखे। तो हमें उनके बारे में समझना है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी जानवर रहता है, कोई भी पशु, कोई भी एनिमल रहता है, जहाँ से उसे अपनी बेसिक अकोमोडेशन, मतलब खाने पीने रहने की व्यवस्था पूरी तरह से मिलती है, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट रिप्रेजेंट करता है उस एनिमल का घर। फॉर एग्जांपल, घर जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसको खाने को मिलता है। तो इस तरह से हैबिटेट की डेफिनेशन हमने कर ली है। अगर देखा जाए तो हैबिटेट क्या है? द एन एनिमल हैबिटेट हैव डिफरेंट हैव सफिशेंट फूड, वाटर, शेल्टर एंड द स्पेस फॉर इट्स यंग वंस टू ग्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर बहुत मात्रा में खाना है, पानी है, शेल्टर, घर है, और जहाँ पर कोई भी एनिमल अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को जन्म दे सकता है, तो वो कहलाता है हैबिटेट। तो आई होप आपको हैबिटेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अडेप्टेशन की ओर। अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, अडेप्टेशन होती है आदत। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एनिमल होते हैं उन्हें देखो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढलना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम कहें कि बाहर बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट है, तो एनिमल अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आएगा। जैसे कैमल है, कैमल रेगिस्तान में मिलता है, तो उसने क्या किया है कि उसने अपने अंदर पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक पानी को कंज्यूम कर सके, अगर उसे पानी ना भी मिले। तो यह क्या उसकी अडेप्टेशन है। तो इस तरह से अडेप्टेशन वो होता है जिसके अंदर कोई भी एनिमल अपने आप को ढाल लेता है अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सीधी भाषा में कहे, एनिमल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि एनिमल जहाँ पर रहता है, ठीक है, और अडेप्टेशन मतलब उसने अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग में होता है कि अब हमने इन एनिमल्स की करेक्टर्स पढ़ने हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट करेक्टर है, दैट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। तो बच्चों, सांस लेना क्या होता है कि सभी को पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जो कि क्या है, एक गैस है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी जीव ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, तो ऑक्सीजन अंदर जाकर कहाँ पर जा रही है, तो उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, यहाँ पर फिश का एग्जाम्पल दिया गया है। हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की ब्रीदिंग को पढ़ना है। तो फिश में इन्होंने फिश के अंदर गिल्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे गिल्स नहीं बताया हुआ। हम नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पहले ये एक डायग्राम फिश का दे दिया गया है, और फिर अब दोबारा से, तो पहले हम फिश को ही कवर कर लेते हैं। फिश सभी बच्चों ने देखी भी है कि जो पानी में रहती है, और पानी में रहने वाले जीवों के पास गिल्स होते हैं। देखो, ये गिल्स तो आपको याद करना पड़ेगा, ये इनका अंग है अंदर, जो इस जहाँ पर ऑक्सीजन जाती है, और इस ये गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं। तो यह एक आपको ध्यान में रखना है कि जो मछली होती हैं उनमें गिल्स होते हैं, और गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, जिसके पास बहुत सारी ब्लड की बहुत अच्छी सप्लाई है, और यह ब्लड गिल्स से ऑक्सीजन ले जाकर दूसरे भागों तक पहुंचाता है। बस इतनी सी बात है कि जो बाहर से ऑक्सीजन आई है वो गिल्स के द्वारा आ रही है, क्योंकि गिल्स के जो कनेक्शन है वो बॉडी के हर पार्ट तक
तक है, क्योंकि यहाँ ब्लड आता है और सभी को पता है ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो गिल्स का कनेक्शन ब्लड से बहुत अच्छा है। तो जो गिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन आती है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर भाग तक पहुँच जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गिल्स हैं मछलियों के अंदर वह ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, तो यह हमने पढ़ा फिशेस का। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग का लंग्स, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो बच्चों आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी, तो हमारे शरीर में फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर चेस्ट में दो ऑर्गन ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स। देखो ये भी अंग है, शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इस लंग्स जिसको हम कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये हवा को, जैसे मैंने कहा कि जैसे फिश के केस में गिल्स होते हैं और ऑक्सीजन वहाँ तक जाती है, और इम्पोर्टेंट बात है कि गिल्स के साथ ब्लड, जो ब्लड आता है वो गिल्स तक अच्छे से पहुंच पाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इसी तरह लंग्स में भी जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी मतलब ब्लड वेसल, जो पतली पतली पाइपें हैं हमारे शरीर में, ब्लड है वो खुले में नहीं बहता, वो पाइपों के थ्रू बहता है। इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, और ये अपने अंदर ब्लड को फ्लो कर रही होती हैं। इनका कनेक्शन लंग्स से बहुत अच्छा होता है, जैसे ये लंग्स है, ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं और ये ब्लड वेसल्स लंग्स से ऑक्सीजन ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देंगी। बस आपने बस ये याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर लंग्स होते हैं और फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, और दोनों में ही ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं कीट पतंगों की। देखो सभी ने अपने घरों में ग्रास होपर जरूर देखा होगा, हाउस फ्लाई देखी होगी, बटरफ्लाई देखी होगी, हनी भी देखी होगी, ये सभी क्या है, कॉकरोच देखा होगा। तो ये सभी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे जो उड़ सकते हैं। क्या इनमें भी लंग्स या गिल्स होते हैं? नहीं, इनमें जो सांस लेने का ज़रिया होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो ये कैसे सांस लेते हैं? तो बच्चों आप देख सकते हैं इनकी जो ये नीचे की तरफ बॉडी दिखाई गई है, बॉडी के नीचे छोटे छोटे छेद हैं, इन छेद के ज़रिए ये ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं, और इन छेद को क्या कहा जाता है? इन छेद को स्पिराकल्स कहा जाता है। देखो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इंसेक्ट में कौन ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं? स्पिराकल्स। और फिशेज में कौन ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं? गिल्स। और ह्यूमन बींग्स में कौन ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं? लंग्स। तो ये देखो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपके लिए नई है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में तो आ रहा है, बस आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि आपके लिए नई है। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें कि स्पिराकल्स छेद हैं और जिनके ज़रिए क्या है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच रही है। तो एयर एंटर थ्रू दिस थ्रू स्पिराकल्स एंड द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन, दैट इज वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर। तो बच्चों जैसे हमारे हाथ में कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आता है, वो लाल रंग का होता है। अगर आप फिश को देखेंगे, अगर वो उस पर उसके कट लग जाएगा तो भी रेड कलर का ब्लड आएगा, लेकिन जब इंसेक्ट को मारते हो, आप कॉकरोच को मारते हो, तो उसमें से रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो कलर देता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, वो नहीं होता, तो इस वजह से उनका ब्लड कलरलेस होता है। तो आप ये चीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी, हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन हम में तो प्रेजेंट है पर इंसेक्ट्स में प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से उनका कलर कैसा है, ब्लड का कलरलेस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आप इसको खुद से रीड करने की कोशिश करना, यह बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।